राधे राधे, मेरे चैनल नटखट लड्डू गोपाल में आप सबका स्वागत है। चलिए बनाते अपने लड्डू के लिए प्यारी सी हैट। ये आपको डल्लप सीट आती है जो उस पर बनानी है, या फिर आप बुकरम पर भी बना सकते हो, डल्लप सीट पे ज़्यादा अच्छी रहेगी। आप किसी भी साइज़ के लड्डू गोपाल के लिए ये हैट बना सकते हैं। तो सबसे पहले आप उन लड्डू गोपाल जी की जो पगड़ी आती है उन पगड़ी का माप ले लेंगे और अच्छे से सर्कल कर लेंगे। सर्कल करने के बाद आपको 1 इंच एक्स्ट्रा पे भी एक निशान लगाना है। निशान कैसे लगाने हैं वो आप देख लीजिएगा, मैं मार्क कर दूंगी। सर्कल आपको अच्छे से बना लेना है, और मेरे से ये सही से नहीं हुआ है, बट आप सही से कर लेना क्योंकि ये मेरा फर्स्ट टाइम था। देखिए हमारा सर्कल बन चुका है। अब मैं इसमें 1 इंच एक्स्ट्रा का निशान और लगा लूँगी। आपको भी ऐसे ही निशान लगा लेने हैं। ये देखिए मैंने निशान लगा लिया, मैं इसी साइज़ में इसे कट कर लूँगी। आप अच्छे से कट करना बिल्कुल सर्कल। उससे क्या होगा कि हमारे लड्डू गोपाल जी की जो हेड बनेगी वो बहुत अच्छी लगेगी। उसके बाद आपको ले लेनी है ये जो डोरी हम लगाते हैं कपड़ों में वो, और उसे ग्लू गन की मदद से बिल्कुल सेंटर में आपको ऐसे लगानी है। ग्लू गन की मदद से आप इसे चिपका लेंगे अच्छे से। बिल्कुल सर्कल करते हुए आप जो हमने अंदर का निशान लगाया था वहाँ तक इसे अच्छे से कर लेंगे। ये देखिए मैंने वहाँ तक जो मैंने 1 इंच छोड़ के अंदर की साइड जो निशान लगाया था वहाँ तक मैंने इसे अच्छे से कर लिया है। उसके बाद जो हमने निशान लगाए थे उन पे कट करने के बाद, उसे सीजर से अच्छे से कट करने के बाद आपको ऐसे क्रॉस करके चिपका देना है। उससे क्या होगा, हमारी जो हेड बनेगी, टोपी बनेगी, उसमें जो नीचे गोलाई आती है वो आ जाएगी, जिससे वो हमारे लड्डू गोपाल अच्छे से पहन पाएंगे। ये देखिए आप ऐसे बीच बीच में इसे कट करके इसे ऐसे क्रॉस करते हुए अच्छे से चिपका लेंगे। आपको बिल्कुल गोल करना है। ये देखिए और ये आपकी हेड सच में बहुत प्यारी बनेगी, बनाइएगा ज़रूर अपने लड्डू गोपाल के लिए। ये देखिए आप इसे चारों तरफ से अच्छे से चिपका लीजिएगा। ये मैंने अच्छे से चिपका लिया। अगर इसमें थोड़ी बहुत कुछ और रह गई तो आप इसे कट करके तब लगा सकते हैं, अगर एक्स्ट्रा बच जाती है तब। ये मेरे लड्डू गोपाल बड़े हैं तो मैं उनके लिए बड़े साइज़ की बनाऊंगी, तो आप इसे कट करने के बाद अच्छे से कर लेंगे। और उसके बाद फिर से हमें ऐसे ही ये नीचे तक चिपकानी है। हम इसे चारों तरफ से अच्छे से ऐसे सर्कल करते करते चिपका लेंगे। आप देखिए मेरी ये ऊपर की बेस बन के तैयार है। अब नीचे की लाइनें बनाने के लिए हम फिर से इसका ऐसे नाप लेंगे और सर्कल करने के बाद हम इसे जितनी भी चौड़ाई आपको रखनी है उसकी आप उतना निशान लगा सकते हैं। जैसे मेरे को 1 इंच रखनी है, यानी कि 2 उंगली के बराबर, 1 इंच के बराबर मुझे रखनी है, तो मैं 1 इंच एक्स्ट्रा ही कट करूँगी। इससे इसे बिल्कुल अच्छे से सर्कल काट लूँगी, बिल्कुल गोल, और इसे ग्लू गन की मदद से अंदर की साइड अच्छे से चिपका दूँगी। और फिर इसे ग्लू गन की मदद से मैंने
अभी जो ये कट किया है इस पर अच्छे से चिपका लूँगी। आप एक्स्ट्रा ग्लू लगा के चिपकाना जिससे वो अच्छे से चिपक जाए और उतरे नहीं। ये देखिए मैंने ढेर सारी ग्लू गन लगा के इसे अच्छे से बिल्कुल सेंटर में चिपका लिया। इसे बिल्कुल अच्छे से दबा के चारों तरफ से अच्छे से चिपका लेना और फिर हमें इसी तरीके से जैसे हमने ऊपर का बेस बनाया इसी तरीके से हम ये नीचे भी चारों तरफ से को अच्छी तरह से लगा लेंगे। जहाँ पे आप इस डोरी को लगाने की स्टार्टिंग करें वहाँ पे डोरी को अच्छे से ये देखिए मैंने इसे चारों तरफ से ग्लू से अच्छे से चिपका लिया है। अब आप इसे यहाँ से कट करने के बाद किनारों पे अच्छे से चिपका लेंगे जिससे वो उसके धागे नहीं निकले। आप इसे अच्छे से कट करने के बाद अंदर की साइड को मोड़ देंगे, उससे क्या होगा उसके ना आपकी डोरी के धागे नहीं निकलेंगे। ये देखिए आप इसे यहाँ पे अच्छे से चिपका ले। उसके बाद हमें क्या करना है, हमारी जो कैप है उस पर हमने जो निशान लगाया था अंदर की साइड, ये हमारी वैसे तो बनके तैयार है। अब ये हमने जो निशान लगाया है इसे हम अच्छे से एक बार और मार्किंग करके कट कर लेंगे। डल्लप और बुकरम क्या होती है वो बहुत आसानी से एक्स्ट्रा कट जाती है, तो आप इसे थोड़ा सा सावधानी से काटें जिससे वो एक्स्ट्रा ना कटे। बड़ी सावधानी के साथ कट करना है आपको। ये देखिए ये मैंने ऐसे कट कर लिया है। अब हम इसे पहले अपने लड्डू गोपाल को पहना के देख लेंगे कि उनको साइज अच्छे से आया है या फिर और हमें एक्स्ट्रा कट करना पड़ेगा। ये मेरे लड्डू गोपाल जी के लिए बिल्कुल परफेक्ट साइज़ आया है, मुझे एक्स्ट्रा कट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो उनके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। अभी हम इस पे क्या करेंगे, आप अगर रखना चाहो तो आप ऐसे भी रख सकते हो, आप ये किसी भी कलर की बना सकते हो, बट मैं ऐसे नहीं रखूँगी, मैं इसमें थोड़ी चीज़ें और यूज़ करूँगी। सबसे पहले तो मैं ये रिबन लगाऊँगी, रेड कलर का रिबन, आप किसी भी कलर का यूज़ कर सकते हैं। आप इसे थोड़ा सा, आप इसे सीधा भी लगा सकते हैं बट मैं इसे थोड़ा सा घुमा के रोल करने के बाद, थोड़ा सा रोल करने के बाद तब लगाऊँगी। और इसे यहाँ पे अच्छे से एक नोड लगाने के बाद ग्लू गन की हेल्प से इसे चिपका दूंगी। ये देखिए ऐसे, उससे क्या होगा कि ये खुलेगा नहीं, हमने जो नोड लगाई है वो खुलेगी नहीं, तो हम इसे यहाँ पे अच्छे से ऐसे चिपका देंगे। ये देखिए एक बार और इसे एक्स्ट्रा लगा के, अगर नहीं अच्छे से लग रही तो एक्स्ट्रा लगा के चिपका देंगे अच्छे से। ये देखिए ये मेरा चिपक के तैयार है। अब मैं इस रिबन के जो कॉर्नर होंगे वो मैं थोड़े थोड़े से बंद कर दूंगी जिससे इसके धागे नहीं निकले, क्योंकि रिबन बड़ी आसानी से इसके धागे निकल जाते हैं। ये हमारी बनके तैयार है। अब हम इसके लिए बनाएंगे
छोटे छोटे से फूल वो बनाएंगे हम स्पार्कल सीड से। आपको जिस भी कलर के और जिस भी टाइप के फ्लावर बनाने हैं आप उसे स्पार्कल सीड पे ऐसे ड्रॉ करने के बाद कट कर लेंगे अच्छे से। मैं ऐसे सिंपल फ्लावर बनाऊंगी और इसे अच्छे से कट कर लूँगी। कट करने के बाद आपको किसी भी गर्म चीज़ पे इनको रख के ऐसे सेक लेना, जिससे क्या होगा ये ना अंदर की साइड थोड़े से मुड़ जाएंगे और इनका लुक ज़्यादा अच्छा आएगा। ये मैंने कर लिए। अब मैं एक मोती लूँगी और वो एक वायर में डाल के, ये वायर तो हमें वैसे भी कट करनी पड़ेगी, आप ऐसे ही ग्लू की मदद से या फेविक्विक की हेल्प से इसे अच्छे से चिपका लोगे तो भी चल जाएगा। बट मैं इसे ऐसे एक बहुत ही बारीक वायर की हेल्प से इसमें अंदर डाल दूँगी। ये देखिए मेरा फ्लावर बन के रेडी हो गया। आप किसी भी कलर के फ्लावर बना सकते हैं। मैंने मेरी कैप जो है वो ग्रीन कलर की है तो मैंने रेड और येलो बनाए और इन्हें मैं अब ऐसे ग्लू की हेल्प से चिपका लूँगी। आपको जितने लगाने आप लगा सकते हैं बट मैं कुछ एक ही लगाऊंगी, वो आप अपने हिसाब से डिज़ाइन से बना सकते हैं। ये देखिए मैंने सिर्फ यहाँ पे दो एक साइड और तीन एक साइड लगाए और बस ये कुछ मोती मैंने सबसे ऊपर लगा दिए। ये देखिए मेरी कैप बिल्कुल रेडी है बनने के बाद। अभी हम इसे अपने लड्डू गोपाल जी को पहना के देखेंगे कि उनका लुक कैसा है। ये देखिए मेरे लड्डू गोपाल जी का लुक कितना अच्छा है कैप से। मेरे लड्डू गोपाल जी की हैट आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। राधे राधे।